हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैक्स में कुछ नई स्पेशल चीज़ें लाया हूँ। लाइक इसमें ह्यूमन को एनिमेट करके कैसे दिखाया जा सकता है। अगर किसी ह्यूमन बॉडी को एनिमेट करके दिखाना है फॉर रियलिस्टिक व्यू, लाइक जैसे कि मैंने कोई स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम के अंदर आप चाहते हो कि कुछ पर्सन दिखे, तो स्टेडियम में जब पर्सन दिखेंगे तो स्टेडियम आपको रियलिस्टिक दिखेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कैसे रियलिस्टिक ह्यूमन को कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो इसको बनाने के लिए जैसे कि मैंने लास्ट 10 वीडियोस तैयार किए जो अपने सीरीज 3ds Max सीरीज में, उसमें मैंने बताया आपको प्लेन कैसे स्टार्ट करना है, बॉक्स कैसे चलाना है। आप लास्ट 10 वीडियोस को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। अभी के सीरीज में मैंने क्या किया, प्लेन लिया और प्लेन लेने के बाद इस तरीके से एक छोटा सा पहले प्लेन तैयार किया। इसी प्लेन के सहारे मैं एक आपके लिए एक एनिमेशन लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर ह्यूमन एनिमेट करके चलेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको पॉपुलेट पे आना पड़ेगा। पॉपुलेट पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन जिसका नाम है डिफाइन फ्लो। जैसे आप डिफाइन फ्लो पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, तब देखिए सबसे पहले डिफाइन करना है कि आप वहाँ पे जो लाइक जैसे कोई रोड बना रहे आप, तो रोड को कितना विड्थ देना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से क्रिएट फ्लो लीजिए और क्रिएट फ्लो लेने के बाद यहाँ पर आइए, आपको जहाँ भी फ्लो करना हो यहाँ पर आइए। और ये देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे आए, अब आप बता दीजिए कि आप कितनी लैंडिंग चाहते हो, कितने स्पेसिंग चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इतने स्पेस में हमारी ह्यूमन चले, तो मैंने इतना स्पेस लिया और इतना स्पेस लेने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको फुल स्क्रीन करना चाहूँ अपने डेस्कटॉप को, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना चाहिए और यहाँ पर क्लिक करते फुल स्क्रीन आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसके ऊपर पर्सन लगाने जा रहा हूँ। तो पर्सन लगाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सिमुलेट पे आना है। आपको कहाँ पे, सिमुलेट पे आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स, और यहाँ पे आपको दिखेगा 300। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे आप सिमुलेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एनिमेशन है और ये इसमें एनिमेशन थोड़ा सा स्लो चलेगा। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे इसके ऊपर कुछ पर्सन आ जाएंगे। देखिए 37% हुआ। मैंने बहुत छोटा रोड लिया है बिकॉज मुझे पता है कि बहुत टाइम लगता है बड़े रोड में। तो ये पूरा लैंडिंग, अभी से मैंने एक तरफ बिल्डिंग बनाई, दूसरी तरफ बिल्डिंग बनाई, बीच में हमने इस तरह एक कॉलोनी डाल दिया। कॉलोनी में कुछ लोग चल रहे हैं तो वो देखने में हमें थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा लाइक 4 से 5 मिनट तक कभी कभी लग जाता है, इतना टाइम देना पड़ेगा। इतना टाइम देने के बाद ये तुरंत इसके ऊपर पर्सन आ जाएंगे। मत करो। इस तरह से आपके ऊपर आपके पास पर्सन आ गए, ठीक है। इन पर्सन में से आपको इनको जैसे इनको प्लेन इनवेट करोगे, जैसे प्लेन इनवेट करोगे तो देखिए इनके ऊपर आपके पर्सन चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे पर्सन अगर आपके कॉलोनी में चलते हुए अधिकार, मान लीजिए आप कोई सोसाइटी बना रहे हो, सोसाइटी में आपको चलते हुए दिखा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा कि लाइक वो रियलिस्टिक व्यू उस पर फीलिंग आएगी, ठीक है। मैं आगे की वीडियोज में आपको तैयार करके दिखाऊंगा कि कैसे इन वीडियोज को सेव करते हैं, हाउ टू सेव रेंडर फाइल, ठीक है। तो रेंडर फाइल भी सेव करना आपको आना चाहिए, अभी मैं दिखाने आ रहा हूँ इसमें। तो अब देखिए इस तरह से इसमें पर्सन चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से अच्छे अच्छे पार्ट है। लाइक अगर आप यहाँ पे आओगे डिफाइन फ्लो पे, तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट इसका है कि क्रिएट सीट। ये एक सीट तैयार करेंगे, उस सीट के ऊपर आप बैठा सकते हैं पर्सन को। ये लिया और ये लेने के बाद जैसे इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ देखिए स्टैंडिंग के लिए आप देखिए सिम्बल आ गया है। जैसे सिमुलेट पे आके यहाँ पे सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको ये पर्सन दिख चलता हुआ दिखाई देगा। एल्ट एंड पैन बटन से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और ये करने के बाद प्रॉपर इसकी एनिमेशन एक्टिविटी देख सकते हैं। एनिमेशन देने के लिए हमें प्ले एनिमेशन करिए, तो ये देखिए आपको यहाँ पे प्ले एनिमेट करके दिखाई देगा। इस तरह से आप इसको रजिस्टर। आगे मैं एक वीडियो तैयार करूंगा जिसमें मैं ऑटोडेस्क कैरेक्टर जनरेटर, जैसे ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को मैं खुद से जनरेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस कैरेक्टर को जनरेट करते हैं, इसके हेयर की स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, इसके टी शर्ट की स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, शूज कैसे चेंज करेंगे, बैठने की स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, एवरीथिंग। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन मिलेंगे जिसका नाम है क्रिएट फ्री आइडल एरिया। एक हमने फ्री एरिया बना दिया, लेकिन यहाँ पे हमने लिया और यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा बना लीजिए, इस तरह से हमने फ्री एक एरिया बना दिया। और एरिया बनाने के बाद क्या किया, सबलेट पे आके आप सबलेट पर जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे ये लगता है इसका जो एरिया है, एरिया थोड़ा छोटा आ रहा है, इसकी वजह से वो बना नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फ्री एरिया क्रिएट करना पड़ता है। एरिया थोड़ा बड़ा एरिया हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास अच्छा सा बनेगा। लाइक अब आ गया,
देखिए यहाँ पे आपके पास काफ़ी एरियाज आ गए। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, सिमलेट पे आके आप सिमलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पर्सन्स आ जाएंगे और वो पर्सन्स अपने एनिमेशन एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन आप ये जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा गार्डन है, गार्डन के पास एक लॉन है, तो उस लॉन के अंदर ये लोग बैठे हैं, तो जैसे आप इनको चाहते हैं कि ये कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाई दें तो इस तरह से देखिए ये एक्टिविटी करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरह से देखिए एक्टिविटीज इनकी चल रही है, तो इस तरह से आपको ये रियलिस्टिक भी उस सोसाइटीज में लाइक रूफ के ऊपर हमने लगा दिया कुछ पर्सन जो ऐसे चल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास भी बेस्ट ऑप्शन होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन होता है, देखिए एक एक ऑप्शन को अगर आप डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। क्रिएट रेक्टेंगुलर आइडल एरिया, और इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल तैयार किया, और रेक्टेंगल क्लिक करने के बाद इस तरह से हमने रेक्टेंगल तैयार किया, और ये करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसे सिमुलेट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे इसको प्ले एनिमेट कर देंगे तो ये देखिए आपको कैसे दिख रही है उनकी एक्टिविटी है, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनना पड़ा है। तो इस तरह से हमने इसको अपने हिसाब से इसको स्टॉप एनिमेशन कर दिया। लाइक अभी मेरा काम हो गया, हम समझ आ गया आपको। इसका एक लास्ट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं क्रिएट सर्किल आइडिया एरिया। ये एक एनिमेशन का एक छोटा सा पार्ट है, मैं आपको वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा, तो आप वहाँ पे देखना कि रैबिट के सॉरी स्टेट थ्री डी मैक्स के अंदर हम लोग वॉक थ्रू कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वॉक थ्रू इवन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। वॉक थ्रू लाइक आप जैसे रैबिट से कोई फाइल या ऑटोकैड कोई फाइल आप ले आके उस पर वॉक थ्रू बना सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मुझे पर्सन तैयार करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिमुलेटर पे जाके हमें सिमुलेटर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब जैसे इसको प्ले एनिमेट करेंगे तो इसको इसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, देखिए इसकी एक्टिविटीज़ है, अपने एक्टिविटीज के हिसाब से एक्सेसिव से चल रही है। ठीक, इस तरह से पूरा का पूरा हमने एनिमेशन व्यू देख लिया। अब इस फाइल को सेव कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इस फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो इन फाइलों को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेंडर सेटअप पर क्लिक करना है। रेंडर सेटअप पर क्लिक करने के बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, रेंडर सेटअप पर क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेंज, कहाँ से कहाँ तक की फाइल को सेव करना चाहते हैं आप, तो हमने दे दिया रेंज। अब देखिए हमारा जो टोटल फाइल बना हुआ है 0 से 299 बना हुआ है, तो आप चाहते हैं अगर पूरी फाइल सेव करने के लिए तो यहाँ पे 299 तक इसके फ्रेम्स को कर दीजिए, 299 तक इसके फ्रेम्स को कर दीजिए इस तरह से। बट अगर आप चाहते हैं कि बीच में आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप बीच में भी स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम साइज होता है, कस्टम साइज में आपको HDTV वीडियो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, HDTV वीडियो लेना पड़ेगा। अब HDTV वीडियो में भी कई फ्रेम्स होते हैं, लाइक जितना बड़ा फ्रेम लेंगे उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये बनेगा, और उतना ही लाइक बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का बनेगा और उसके हिसाब से आपको ये दिखेगा। ठीक है, अगर आप छोटे पिक्सल का बनाना चाहते हैं तो छोटे पिक्सल के यहाँ से बना दीजिए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, रेंडर आउटपुट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद सेव एज टाइप में आपको AVI क्लिक करना पड़ेगा। AVI क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फाइल का नाम देना है, तो हमने इस फाइल का नाम सपोज हमने दे दिया यूनिक सिविल। और यूनिक सिविल से मुझे याद है कि आप यूनिक सिविल वेबसाइट पर अगर आप जाते हो www.unixcivil.com पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको इसकी 3ds Max की PPT भी मिलेगी। उस PPT में आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड मिल जाएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये करके यहाँ पे जैसे ओके किया तो ये देखिए हमारे पास अभी ये हमारे पास सेव रेंडर फाइल ये यहाँ पे जाके हमारे पास सेव हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेव होने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे देखा, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रेंडर पे क्लिक करना है। जैसे रेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये रेंडरिंग इसकी तैयार हो गई, रेंडरिंग होना स्टार्ट हो गया इसका। और ये जैसे रेंडर कंप्लीट होगा वैसे ही ये रेंडर होके वहाँ पर फाइल बनती चली जाएगी जिसपे आपका ये सेव होता चला जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कहाँ की फाइलें सेव हो रही हैं। तो ये फाइल डॉक्यूमेंट में सेव होती है, डॉक्यूमेंट में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे 3ds Max नाम से फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपको रेंडर आउटपुट नाम का फोल्डर, अभी देखिए मैं यूनिक सिविल नाम से बना रहा हूँ, ये देखिए यूनिक सिविल नाम की फाइल यहाँ पर आ रही है। जैसे यहाँ पे हमारा एनिमेशन कंप्लीट होगा वैसे हमारा यूनिक सिविल नाम का फोल्डर वहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं और उस पर रियलिस्टिक व्यू ला सकते हैं। और जैसे कभी सिटिंग के लिए इसने एक पर्सन बैठा, ऐसे ढेर सारे सिटिंग व्यवस्था आप लोग जैसे स्टेडियम बना रहे हैं स्टेडियम के अंदर लगा दिया, या आप क्या बोलते हैं कोई प्लेग्राउंड कोई और भी बना रहे हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं, किसी सोसाइटी में किसी पार्क में आप रियलिस्टिक ऐसे दिखा सकते हो, इस तरह से चीज़ों को आप दिखा सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगा जिसको बोलेंगे वॉक थ्रू,
वॉक थ्रू में हम लोग किसी घर में आपने एक एक रूम को प्रेजेंट करने के लिए कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए वॉक थ्रू को पढ़ेंगे। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप यहाँ पे जाके इसके रेंडर आउटपुट फाइल को देख लीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी ढेर सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे ढेर सारे टॉपिक्स लाइक मैं आपको वैसे तो ऑटो कैड स्टैट प्रो रेबिट फीडस मैक्स सभी सॉफ्टवेयर पे दे रहा हूँ ट्यूटोरियल। और भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जो जैसे लुमियन है आपके लाइक एनिमेशन के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है हमारा लुमियन, लुमियन सॉफ्टवेयर में लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत कुछ बहुत ही ए ग्रेड का वॉक थ्रू बनाने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे फाइल तैयार हो जाएगा और फिर आप लोग लाइक अपने वॉक थ्रू को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।